नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जेएजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। उत्तराखंड में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। बता दें, राज्य के अधिकांश मैदानी इलाकों में तापमान 42 डिग्री पहुंच चुका है, तो वहीं कुछ इलाकों में झमाझम बारिश से राहत भी मिली है। इसके चलते पिछले 24 घंटे में देहरादून में 24 mm, नैनीताल में 17.5 mm, चंपावत में 4.5 mm, चलथी में 4 mm, कौसानी में 3.5 mm सहित अनेक पर्वतीय इलाकों में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। तो वहीं केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री धाम में झमाझम बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक आज शुक्रवार 31 मई को राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, टिहरी और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश भी हो सकती है, लेकिन मैदानी इलाकों में कहीं कहीं धूल भरी आंधी और कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री पहुंचने से हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं बीते दिन गुरुवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 42.8 और न्यूनतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस, पंतनगर का अधिकतम तापमान 42.4 और न्यूनतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस और मुक्तेश्वर का अधिकतम तापमान 29.0 और न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस, तो नई टिहरी का अधिकतम तापमान 32.0 और न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस रहा। फिलहाल मौसम की एक खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। धन्यवाद।